उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर पिछले 15 दिनों से चल रहे अनशन को आज बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अभ्यर्थियों के अनशन को समाप्त कराने के दौरान सियासी दांव भी खेला और अभ्यर्थियों को शिक्षक एमएलसी चुनाव में मतदान करने की अपील भी कर डाली और ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की बात कही और उनको यही बताया कि कैसे मतदान करना है। दरअसल सैकड़ों अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी की सीट में वृद्धि के और अध्याचन के पोर्टल खोलने और परीक्षा की तिथि की घोषणा किए जाने की मांग को लेकर अनशन कर रहे थे। अनशन तुड़वाने बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे। उन्होंने अनशन कर रहे अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया और कहा कि सरकार जल्द उनकी मांगे पूरी करेगी। आश्वासन देने के बाद अनशन को समाप्त करा दिया गया। कोई प्रतियोगी छात्र का एक डिमांड थी जिसके कारण उन लोगों ने एक डिमांड रखी थी जिससे मैं कल मिला था और कल मिला जब उन लोगों से तो उन लोगों के एक सुझाव थे कुछ, उस सुझाव के लिए हम लोगों ने फिर बातचीत का रास्ता निपटाया। बातचीत के रास्ते से कुछ समाधान निकलता हुआ दिख रहा है और मैं उम्मीद करता हूं इन लोगों की जो मांगे हैं विशेष रूप से पोर्टल खुले और सीटें कुछ और बढ़े तो वो सीटें उस कैटेगरी में बढ़ेंगी प्रतियोगी छात्र के लिए, तो ये हम लोग का प्रयास है। मुख्यमंत्री से भी आपकी बात हुई? मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री जी से और शिक्षा जो मंत्री हैं बेसिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की गुलाबो देवी उनसे भी बात करूंगा। कल कुछ अधिकारियों से भी मिल रहे हैं और जो कल बीता है उसमें चेयरमैन से भी अध्यक्ष से भी मिले तो ये कुछ ना अच्छा रास्ता निकल रहा है। और मेरे को आज खुशी है कि जो 15 दिन से इन लोग आंदोलन कर रहे थे उन्होंने अभी स्थगित किया है और आज आंदोलन समाप्त हुआ है मेरे अनुरोध पे। मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास करते हुए उन लोगों ने आंदोलन, सभी लोगों ने यहाँ पे जो खड़े हैं उनके अध्यक्ष सब लोग खड़े, उन लोगों ने इसको आंदोलन समाप्त किया। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी भी की और योगी सरकार के पक्ष में जमकर नारे लगाए। इसके बाद 15 दिनों से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड चल रहे अनशन को समाप्त कर दिया गया। विक्की खान की अगुवाई में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहा था जिसको आज आश्वासन के बाद खत्म करा दिया गया। आज देखिए हमारे आंदोलन का 16वां दिन था क्रमिक अनशन का और पिछले हम लोग 15 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे चेयरमैन साहब से मिलने का। हमारी मांग थी अध्याचन का पोर्टल खुले और परीक्षा तिथि की घोषणा हो, सीटों में वृद्धि के साथ साथ परीक्षा तिथि की घोषणा हो। इस पर कल जो है सिद्धार्थनाथ सिंह जी, माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के कारण जो है चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मुलाकात हुई, उनसे डायलॉग हुआ। उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाते हैं अध्याचन का पोर्टल खोलने के लिए, उस पर प्रस्ताव पर जो है एक बार विचार आपस में करते हैं जिसमें डिप्टी सचिव रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे और जो है एक प्रतियोगियों की तरफ से एक व्यक्ति रहेगा, आप लोग मिल के तय कर लीजिए। और माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने जो आश्वासन हमको दिया है कि आप लोग जो है मैंने आप लोगों की बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दी है, वहां से भी सहमति मिल गई है कि नहीं आपके मामले को गंभीरता पूर्वक देखते हुए अध्याचन के पोर्टल खोलने पर एक निर्देश वगैरह जारी कराएंगे, इस तरीके का आश्वासन मिला है। कल हम लोग जो है शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद जी से मिलने जा रहे हैं और कल जो है माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी जी से भी मिलेंगे क्योंकि हमारे माध्यमिक शिक्षा की मंत्री वही हैं और उनसे चल के इस स्थिति को स्पष्ट कराया जाएगा। हमारी जो मांग है उस मांग पर सरकार की सहमति की वजह से आश्वासन जो मिला है हम अपने आंदोलन को उस वजह से हम स्थगित कर रहे हैं।